एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से भिक्षा लेकर वापस आश्रम की ओर लौट रहे थे। धूप अधिक होने की वजह से बुद्ध चलते चलते थक गए और थकान की वजह से महात्मा ने विश्राम करने के बारे में सोचा और फिर थोड़ी दूर और चलकर महात्मा को एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। महात्मा बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। उसी पेड़ के नीचे एक जहरीला सर्प भी रहता था जो कि उस पेड़ के नीचे आने वाले सभी लोगों को डस लिया करता था। गांव वालों ने जैसे ही बुद्ध को वहां बैठा देखा तो सारे के सारे अचंभित हो गए और पास जाकर विनती करने लगे कि महात्मा आप कहीं और जाकर विश्राम कर लीजिए, यहाँ पर एक जहरीला सर्प रहता है। लेकिन दोस्तों गांव वालों के खूब समझाने पर भी बुद्ध नहीं उठे और कुछ देर बाद पेड़ के नीचे बने बिल से एक सर्प निकल कर आया और आकर महात्मा से कहने लगा कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुमको नहीं पता कि ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है? तब दोस्तों महात्मा बुद्ध उस सर्प को बड़े ही प्रेम से समझाते हैं कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी का डर नहीं है, ना तो मुझे मृत्यु से डर है और ना ही जीवन की लालसा है, इसलिए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, फिर मैं क्यों डरूं? सर्प को दोस्तों बुद्ध की इस बात से गहरा आघात हुआ क्योंकि दोस्तों उसने आज तक ऐसे व्यक्ति ही देखे थे जो उससे डरते थे। उसने आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। बुद्ध की बात को सुन सर्प उनके चरणों में लेट जाता है और कहने लगता है कि आज तक मैंने जो भी किया है वो अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह नहीं करता तो लोग मुझे कब का मार देते। तब दोस्तों बुद्ध कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन अगर तुम इस मौत से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ और पूरी तरह प्रेम से भर जाओ और ये जान लो कि एक दिन जीवन पूरी तरह समाप्त हो ही जाएगा, उसके लिए तुम्हें बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सर्प पूरी तरह बदल गया। वो अब लोगों को नहीं डराता था और किसी को क्रूरता नहीं दिखाता था और इसी बात का लोग फायदा उठाने लगे। वहां के लोग उस सर्प पर दुर्व्यवहार करने लगे, गांव के लोग सांप को मारने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे। सर्प की हालत दिन प्रतिदिन बुरी होने लगी और अब वो चलने जैसा भी नहीं रहा। और कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध फिर से वहां से गुजर रहे थे। तब महात्मा सर्प की इस हालत को देख उसे कहने लगे कि तुम्हारी ये हालत किसने की? तब दोस्तों वो सर्प कहने लगा कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो, तुम एक सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत मत रखो। तुम भीतर से अपने आप को सही रखना और बाहर से खुद को वैसा ही दिखाना जो जरूरी है और जो तुम हो, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में उसके प्रति भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के लिए तुम्हारे प्रति भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, इसलिए तुम्हें केवल अपना भय बनाए रखना है। इस कहानी से दोस्तों बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी हाल में तुम अपने स्वभाव को मत बदलो। दोस्तों कहानी से आपने क्या सीखा है कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।